सक्रिय होकर के अपनी लड़ाई लड़ेगा, वो भी मूल्य समझो। अभी सभी संचालन कर रहे हैं, हुआ है कि अपने आपों की पूरी तरह से लड़ते हैं। तो सैन धर्मशाला कुरुक्षेत्र में ओबीसी समाज ने किया प्रदेश स्तरीय सम्मेलन। ओबीसी समाज के मुद्दों पर की चर्चा, कहा जल्द हर जिले में प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन। सैन धर्मशाला कुरुक्षेत्र में ओबीसी समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया गया। इस ओबीसी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में हरियाणा से कई धर्मशालाओं के प्रधान, ओबीसी समाज के नेता और कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में पहुंचे ओबीसी समाज के नेताओं ने इस मीटिंग में क्रीमी लेयर आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर चर्चा की। ओबीसी समाज के नेताओं ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने ओबीसी समाज के लिए योजना बनाई है, हरियाणा सरकार उनको माने और ओबीसी समाज को राहत देने का काम करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के नायब सिंह सैनी बनाए गए हैं, उनसे ओबीसी समाज को बहुत आशा है और वह जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगे और अपनी मांगे भी रखेंगे। अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो जल्द ही हर जिले में ओबीसी समाज के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जो आज ओबीसी सम्मेलन रखा गया है, ये जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो जो हमें पूरी तरीके से जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल रही है, दूसरा जो क्रीमी लेयर शब्द है इसको हटाया जाए, और क्योंकि दूसरा क्या है कि हमारा जो आ रहा है, एक तो कृषि और एक सैलरी इनकम जो कि जो सेंटर में नहीं है, वो सेंटर में इंक्लूड नहीं होती, इनको छोड़ के जो हमारी जो इनकम है वो आती है, इसको जो कृषि आय और इसको बिल्कुल इसको ख़त्म किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि जो जो हमारे बच्चे हैं, जो ओबीसी के बच्चे हैं, वो पूर्ण रूप से जो रिजर्वेशन है उसका वो फ़ायदा ले सके। जो आज का जो सम्मेलन है ये किया गया, जिसमें हम हरियाणा भर के सिरसा से, हिसार से, रोहतक से, भिवानी से, अम्बाला से, पंचकूला से, कई सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो साथी हैं वो आए हैं, और आज हम बैठ के आगामी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे कि आगे हमने क्या करना है, जो हमारी कानूनी जो लड़ाई है वो किस तरीके से लड़ी जा रही है और उसमें क्या क्या हम सहयोग कर सकते हैं। आज जो हमारा कर्मचारी वर्ग है वो इकट्ठा हो चुका है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी जो मांग है उसको पूरी तरीके से माना जाए और सेंटर की तर्ज पर जो कार्य है वो किया जाए। हाँ, इसके लिए हम जल्दी ही जिला वाइज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, उसके बारे में कार्रवाई होगी। हाँ जी, और इसमें ओबीसी वर्ग के जितने भी समाज हैं, धर्मशालाओं के प्रतिनिधि हैं और जितने भी हमारे तकरीबन 40-42 जो जातियां आती हैं, वो सारी के सारे इसमें आज यहां पर इकट्ठी हुई हैं। उनके प्रतिनिधि अमरजीत पांचाल कुरुक्षेत्र से। सर, क्या जो सम्मेलन किया गया इसमें क्या कुछ मुख्य विषय? पहले तो मैं आप मीडिया चैनल वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज पिछड़ा वर्ग समाज की मीटिंग को कवर करने के लिए आए हैं, और यहाँ है जो विशेष रूप से पिछले 75 साल से ओबीसी समाज की जो संविधान में दर्ज कानूनी हक अधिकार है उसकी आज तक जो अवहेलना की गई है, उन मुद्दों को है जो समाज को, उन मुद्दों पर समाज को जागृत करने के लिए और सरकार को अविलंब उन मुद्दों पर है जो कार्रवाई करके पिछड़ा वर्ग समाज को उसके कानूनी हक अधिकार देने के लिए है जो उसको है जो सरकार को है जो सचेत किया जा रहा है, उसमें विशेष तौर पे है जो संविधान में जो दर्ज बातें हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विशेष तौर पर संविधान के आर्टिकल 340 जिसके तहत है जो शिक्षा और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों के लिए है जो उनको है जो विकास करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो हक अधिकार दिए गए हैं उससे संबंधित 12 मुद्दे हैं जो आज की मीटिंग में डिस्कस किए गए, जिनमें मुख्य तौर पे जो मुद्दे हैं उनमें ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना की जाए जो कि अंग्रेजों के जमाने में 1931 तक होती रही थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में है जो ओबीसी की जातिगत जनगणना है जो वो बंद की जा चुकी है, जबकि इस देश में हर साल है जो कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ों की गिनती तो होती है
लेकिन ओबीसी समाज की है जो गिनती नहीं हो रही है, उसकी जनसंख्या की गिनती की जाए और फिर उसके अनुरूप सत्ता संपत्ति और सम्मान में ओबीसी समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात में है जो उसका प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो कि संविधान के मूल प्रस्ताव द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट नंबर 1 के अनुसार सभी लोगों को इंसाफ देने की बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इंसाफ देने की बात करता है। तो ये एजेंडा है जो ओबीसी समाज के लोगों को द प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, जो उनकी बढ़ते हिस्से की सदा संपत्ति और सम्मान की हिस्सेदारी सरकार दे। इसके साथ ही है जो अन्य मुद्दों में है, जो ग्रुप ए बी सी डी सभी वर्गों में है, जनसंख्या के अनुपात में है, जो ओबीसी समाज को हिस्सेदारी मिले। इसके साथ ही है जो मेंबर पार्लियामेंट एमपी से लेकर पंचायत मेंबर तक है, जो ओबीसी समाज को है जो जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए, जैसे आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए और आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको है जो जनसंख्या के अनुपात में मेंबर पार्लियामेंट से लेकर पंचायत मेंबर तक हिस्सेदारी दी जाती है, उसी प्रकार ओबीसी समाज को भी है जो जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। हरियाणा के जो ज्वलंत मुद्दों में से जो दो विशेष मुद्दे हैं, 2016 में मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई वाली सरकार ने है जो ओबीसी के लिए है जो नया है जो क्रीमी लेयर का है जो क्राइटेरिया तय किया गया था, वो पूर्ण रूप से बैकवर्ड कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कायदे कानून के बिल्कुल उल्ट फैसला लिया हुआ है और पिछले 8 साल से ओबीसी समाज के बच्चों का कहीं दाखला नहीं हो रहा, किसी को नौकरी में लेने के लिए है जो बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। पिछले 8 साल से हरियाणा का ओबीसी समाज है जो 2016 की अधिसूचना जो सरकार के द्वारा बीसीए के द्वारा के लिए लागू की गई थी, तो उसके कारण है जो बैकवर्ड समाज है जो हरियाणा का खून के आंसू रो रहा है पिछले 8 साल से। और अभी वक्त आ गया है, इस बार इस साल अभी बच्चों के दाखले शुरू होने हैं। एक बार फिर हम सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी को निवेदन करना चाहते हैं कि 27 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है मंत्रिमंडल की, उसमें भौरी तौर पर फैसला ले कि जो क्रीमी लेयर की अधिसूचना है उसको रद्द किया जाए और उसके साथ साथ फौरी तौर पर है जो 27% रिजर्वेशन है जो वो क्लास 1 और क्लास 2 में 27 तारीख को मंत्रिमंडल की होने वाली मीटिंग में है जो फैसला लेना चाहिए सरकार को। और इसके साथ साथ है जो अन्य मुद्दे हैं जो जिसमें है जो मुख्य रूप से है जो कर्मचारी वर्ग है, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलती है उनकी जनसंख्या के अनुपात में, हमारी मांग ये भी है कि बैकवर्ड क्लास को ओबीसी को है जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में है जो प्रमोशन में है जो रिजर्वेशन मिलनी ही चाहिए। और जो क्रीमी लेयर की कंडीशन है जो लगाई हुई है केंद्र सरकार के द्वारा भी लगाई हुई है, उस क्रीमी लेयर की कंडीशन है जो वो संविधान के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जो बैकवर्ड का पैमाना है वो दो पॉइंट के आधार पर तय होता है। बैकवर्ड क्लास कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसने दो पॉइंट का है जो दो पॉइंट तय किए हैं कि आरक्षण है जो प्रतिनिधित्व विशेष रूप से जिन लोगों को मिलना है, वो लोग अगर शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, अगर वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, हरियाणा का बैकवर्ड समाज है जो शिक्षा में भी सामाजिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है,
और जो हमारे ऊपर है जो क्रीमी लेयर की शर्त है जो अगर बात नहीं मानेगा, फिलहाल हम है जो समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। वक्त आने पर जो भी वक्त हमारे को है जो हमें है जो करने के लिए है जो अलाउ करेगा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम रविंदर सिंह है। सबसे पहले मैं मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज ओबीसी का कुरुक्षेत्र में सम्मेलन हुआ उसमें आप आए। मैं राजस्थान सैन्य एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का प्रेसिडेंट हूं और ये जो प्रोग्राम किया गया है तो ओबीसी समाज में ये हमारे इस विषय में किया गया कि हमारा जो क्रीमी लेयर है जिसके कारण हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चों का बीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। हम जो मुख्य उद्देश्य का ये था कि जो सरकार ने हमारे पास खट्टर साहब ने जो 6 लाख की हमारी क्रिमिनल लिमिट तय की है जबकि सेंटर में 8 लाख है। सेंटर और हरियाणा में डिफरेंस ये हुआ कि सेंटर में जो 8 लाख की लिमिट है उसमें जो आय है वो एग्रीकल्चर की और सैलरी की उससे बाहर, जबकि खट्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस ओबीसी का जीतने के बाद उसको 8 से 6 लाख किया और उसमें भी सैलरी को इंक्लूड कर दिया, कहता है एवरी सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी सोर्स जो इनकम है वो इसमें इंक्लूड कर दिया, जिसके कारण बीसी समाज के बच्चों के ना तो दाखिले हो पा रहे हैं और ना ही कि उनका बीसी का सर्टिफिकेट बन पा रहा है। और भी कोई मुद्दा है कर्मचारी की पहुंच, कर्मचारियों का मुद्दा यह है क्योंकि कर्मचारियों के बच्चों का ही है बीसी, मतलब सरकार ये कह देती है कि सरकार ने बीसी को भी विभाजित करने के लिए 2 कैटेगरी बना दी गई है, कहते हैं कि एक तो 6 लाख से ऊपर, एक 6 लाख से नीचे वाली। अब सरकार से जब भी बात करते हैं वो ये कह देते हैं कि एक ही बात बोलते हैं कि अमीर बीसी का बच्चा नौकरी लगना चाहिए, गरीब का लगना चाहिए। नेचुरली हर कोई गरीब का बोलेगा, पर उस गरीब में ये तो देखो ना, जब हमारी सीटें वैकेंट रह जाती है, हमारा किसी भी कैटेगरी के बच्चे जो बीसी का है जिसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा होगी उसके बच्चे की सीट बीसी में पूरी की पूरी उसकी क्वालिफिकेशन होने के बाद उसको वो सीट से वंचित कर देते हैं और जब और उस सीट को कन्वर्ट टू जनरल कैटेगरी कर देते हैं, और गरीब का जो बच्चा है जिसकी इनकम वो 1,80,000 जिनको 5 किलो राशन दे रहे हैं उनके लिए ना तो सरकार ने आते इतनी सुविधाएं करी कि उसका बच्चा कि पूरी MBBS या MBA IIT उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दिया है, पर वहाँ पर एजुकेशन नहीं। जो समाज कल्याण का एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिसमें गरीब पिछड़ा वर्ग का बच्चा भी अपनी अपर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पर वो हरियाणा में वो लागू नहीं है। बैठक में कोई फैसला लिया कोई रणनीति है कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम CM साहब को एक ज्ञापन देंगे सारे के सारे जिलों से कि बीसी के प्रतिनिधि मिलेंगे, उनसे मिलने का टाइम भी मांगे कि हमारी जो मांगे हैं कि मेन तो हमें जो क्रिमिनल लेयर की नोटिफिकेशन थी सेंटर के हिसाब से वो दी जाए, जो हरियाणा सरकार ने लागू किया उसको खत्म किया जाए, 27% आरक्षण हमारा ओबीसी का चाहे वो ए और बी दोनों का मिला हो वो हमें नौकरियों में फर्स्ट और सेकेंड क्लास में दिया जाए। हमें COD में तो दे रहे हैं पर फर्स्ट और सेकेंड क्लास जो ए और बी क्लास है उसमें नहीं दे रहे, हमें वो भी दिया जाए। हमें पंचायत से लेकर संसद तक पूरा 27% का रिजर्वेशन दिया जाए ताकि पिछड़ा वर्ग अपना विकास कर सके अपने बच्चों का, जबकि पता है कि पिछड़ा वर्ग एक स्किलफुल वर्ग है और सारा का सारा जो वोट बैंक है वो आज सरकार के साथ है, पर कहीं ऐसा ना हो कि पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जाए और ये पिछड़ा वर्ग धीरे धीरे सरकार से छिटक जाए। एक हमारा मुख्य मुद्दा है कि जातिगत जनगणना। अब कई लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना का क्या फायदा, अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर किसी के घर में बारात आनी है और उसको ये ना बताया जाए कि बारात में कितने लोग आएंगे वो कैसे इंतजाम करेंगे, ऐसे ही जब हमें ये पता लग जाएगा हमारी जनसंख्या पिछड़े वर्ग की 52% है, 55 है, 60 है, तो उस हिसाब से हमें उस रेशो में हमें हमारा प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमें नौकरियों में उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमें संसद में उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए। थैंक यू। मेरा नाम राजेश सिंह, मैं अरे कुरुक्षेत्र सैन्य एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सम्मेलन क्या क्या सर, इसमें हमने रखा है कि है ना सेंटर में जैसे 8 लाख इनकम है उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर नहीं है, हरियाणा में ये जोड़ दी गई है, इसमें चपड़ासी भी इसमें क्रिमिनल में आ जाता है, उसके बच्चे वंचित रह जाते हैं। और एक और हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो बीसी समाज में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको जैसे 80 बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं छात्रवृत्ति की व अन्य दाखिले में,
और सर्विस में, तो वो भी दी जाए। और बीसी समाज का जो आयोग बनता है उसका बीसी का जो आदमी है उसको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, जनरल का बना दिया जाता है। तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि बीसी आयोग का जो है अध्यक्ष वो बीसी समाज से हो, ताकि हमारी सुनी जाए। अब आशा ये जगी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी है ना बीसी समाज से हैं, और वो बीसी समाज की जो मांगे हैं उन पर जरूर ध्यान करेंगे, और जो हमारा 27% आरक्षण है क्लास वन और क्लास टू की नौकरियों में भी उसको पूरा दिया जाए, और पंचायत से लेके संसद तक भी हमारे को 27% आरक्षण दिया जाए, और जो अब 33% महिलाओं का वो आ रहा है तो उसमें भी बीसी की महिलाएं शामिल की जाए। सर धर्मवीर धर्मी कश्यप।